अरे भैया, हमारी अनंतपुर वाली बस छूट गई है, जरा जल्दी जल्दी चलो उसके पीछे। तेज चलाइए। बेटा खुद पे काबू रख, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो जो आप कह रही हैं मनो भाभी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उस घर में ऐसा कुछ होने वाला है जो जो ठीक नहीं है। बेटा तू ऐसा क्यों सोच रही है, हम बहुत जल्दी अमृत जी को घर लेके पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। इस वक्त सलोनी और वो फ्रॉड नहार कहाँ है, उनके बीच क्या चल रहा है, इसका पता हमें यही चल सकता है। आखिर कोई तो सुराग होगा, कोई इशारा तो मिलेगा जो सच्चाई को सामने ला सके। अरे ये क्या, इस फ्रेम में लगा फोटो कहाँ चला गया। गॉड, ये नहर की घड़ी और लॉकेट। नहर घड़ी पहनना तो भूल भी सकता है, लेकिन ये लॉकेट, इस लॉकेट को पहने बिना तो वो कभी कहीं भी नहीं जाता है। तो फिर इस लॉकेट के यहाँ होने और नहर के यहाँ ना होने का मतलब क्या हो सकता है। जो भी हो, लेकिन अब कम से कम हम ये सबके सामने तो साबित कर ही सकते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। अरे भैया जरा गाड़ी रोकना, इधर रोकना इधर। सलोनी बेटा, आश्रम की बस यहाँ रुक कर जाती है, यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि वो कितनी देर पहले यहाँ से निकली है। सुनिए, यहाँ से आनंद आश्रम जाने वाली बस को गए हुए कितनी देर हुई है। बहन जी वो बस तो खराब हो गई थी, यात्रियों को उतार कर उस बस को खींचते हुए डिपो तक ले गए हैं। मैं तो खुद उस बस में बैठा हुआ था, और अब तो 2 घंटे तक कोई भी बस नहीं है। अरे भैया हमारे जानने वाले उस बस में थे, लंबे से हैं, भूरे से हैं, भैया अमृत नाम है उनका, आपने कहीं देखा है। हाँ ऐसा एक आदमी था तो सही, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है। मैंने उसे कुछ यात्रियों के साथ आश्रम के लिए जाने वाली टैक्सी में बैठे हुए देखा है। तू चिंता मत कर बेटा, उन्हें यहाँ से निकले ज्यादा देर नहीं हुई है, हम अभी भी उनको पकड़ सकते हैं। भैया जरा जल्दी करो, एक टैक्सी के पीछे जाना है, चलो चलो। बड़ी देर कर दी नहर ने आने में, जब तक ये धागा उसकी कलाई में ना बांधूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। डोंट माइंड भाभो, लेकिन अगर यही बात है तो शायद आपको वो चैन कभी ना मिले, शायद नहर इस घर में वापस कभी ना आए। अपनी गंदी जबान से मेरे नहर का नाम मत ही ले। नाराज क्यों हो रही है भाभो, हम सही कह रहे हैं, शायद आपका नहार इस घर में वापस कभी ना आए, क्योंकि आपका नहार ये घर छोड़कर जा चुका। बस वशी, मेरा नहार अपने जीते जी कभी इस घर को और अपनी भाभों को छोड़कर जा ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मरने के बाद तो जा सकता है। Why don't you accept the fact, भाभो?
नाहर कब का ये दुनिया छोड़कर जा चुका है, और आपके साथ जो इस घर में रह रहा है वो नाहर का हमशक्ल है, कोई फ्रॉड है, और अब तो वो फ्रॉड भी ये घर छोड़कर जा चुका है। चुप हो जाओ उर्वशी, जब से मेरा नाहर लौट के आया है ना, तो यही बोले जा रही है उसके बारे में। कब तक आप लोग सच्चाई से भागते रहेंगे भावो? और आपके भागने से सच बदल नहीं जाएगा। सच्चाई हम आपके सामने कब से लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मानना ही नहीं चाहते। लेकिन आज आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास सबूत है। सबूत? हाँ, और इस सबूत को देखकर सच आप सबके सामने आ जाएगा। इन्हें पहचानती है? घड़ी, ये लॉकेट, ये तो मेरे नाहर के हैं। तुम्हें कहां से मिले? नाहर के कमरे से। और ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, नाहर इस लॉकेट को अपने आप से कभी अलग नहीं करते। ऐसा क्या हो गया कि नाहर ये सब छोड़कर, ये घर छोड़कर चले गए? सोचिए, सोचिए भावो, शायद आज आपको यकीन आ जाए कि हम जो कह रहे हैं वही सच है। भैया गाड़ी क्यों रोक दी? आगे ट्रक ड्राइवरों ने रास्ता जाम करके रखा है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती अभी। लेकिन आश्रम जाने के लिए दूसरा रास्ता भी तो होगा। जी नहीं मैडम, अगर आपको आगे जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा। हे भगवान, तब तक तो अमृत जी आश्रम पहुंच भी जाएंगे। नहीं बेटा, अगर हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते तो हो सकता है अमृत जी की टैक्सी भी यहाँ से आगे न जा पाई हो। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से उतर के आगे से टैक्सी लेते हैं। ये क्या बचपना है, आपको रास्ते पे चलना नहीं आता, अपनी ही जान की परवाह नहीं है आपको। अगर हमने समय पे आपको ना देखा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे इतनी ही नफरत करती हैं तो क्या हम जान सकते हैं आप हमारे पीछे यहां तक क्यों आई? मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपसे नफरत करती हूँ? लेकिन ये भी सच है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। और मेरा यहाँ आने से इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं आपको यहाँ से ले जा सकूँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको नाहर समझ के आपसे रिश्ता जोड़ा है,
और आपके बगैर रह नहीं सकते। उन रिश्तों को छोड़कर रहना तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। आपको जाने के लिए भी मैंने ही कहा था और वहां चलने के लिए भी मैं ही कह रही हूं। हमने पहले भी आपकी बात नहीं टाली थी, अब भी नहीं टालेंगे। लेकिन एक बात है, आप वहां नाहर बनकर रहेंगे, हर रिश्ता निभाएंगे, लेकिन आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। आपको मुझसे दूरी बनाकर रखनी होगी। हमने पहले भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया था और आगे भी नहीं करेंगे। हम आपको वचन देते हैं, हमारा प्रेम हमेशा हमारे दिल में रहेगा। आपको मुझसे एक वादा और करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप मेरे लिए अपने प्यार को खत्म कर देंगे, मुझे अपने दिल से निकाल देंगे। हम आपको ये वादा नहीं दे सकते सलोनी जी। आपसे प्रेम करना हमारे बस में नहीं था और ना ही आपको भूल पाना हमारे बस में। जीजी की बातों ने मेरे मन में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया है तारा। एक तरफ लगता है ये सच नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये सच हुआ तो अगर ये मेरा नाहर नहीं उसका कोई हमशक्ल, कोई बहरूपिया है तो। बाबू देखिए, इस दुनिया में डर और शक का कोई इलाज नहीं है और ये बात जीजी जानती है, तभी बार बार कोशिश करती है कि नाहर को लेके कोई ना कोई शक हमारे दिल में आ जाए। आप जानती हैं जीजी को कैसी है, क्यों उनकी बात मान रही है। अगर मनो भाभी ने कहा है कि सलोनी और नाहर उनके साथ मंदिर में है तो वही होंगे। अब जीजी की बात मानकर क्या हम मनो भाभी पे शक कर सकते हैं? तो ठीक कह रही है तारा, लेकिन ये लॉकेट, नाहर इसके बिना तो कहीं बाहर जाता ही नहीं है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं, अभी जब वो वापस आएगा तो वही आकर बताएगा क्यों भूल गया वो। आने तो दीजिए उसे वापस, फिर पूछ लेना। भाबो, तारा भाभी, नाहर भाई सा और सलोनी भाभी सा आ गई हैं। नाहर, 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 अरे बेटे तू कहाँ चला गया था हमें बिना बताए? लेकिन बात क्या है बाबू, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैंने तो तारा बहू को फोन पे बता दिया था कि हम सब मंदिर में गए हैं, बस आ ही जाएंगे। वो बस ट्रैफिक में फंस गए इसलिए देर हो गई। हाँ कहा तो था तारा ने, लेकिन नाहर कहीं भी जाने से पहले बेटा बता के जाया कर। ये बैग ले जाने की क्या जरूरत थी? भाभो, वो हम नाहर के पुराने कपड़े गरीबों में दान करने के लिए गए थे। इतना परेशान क्यों हो रही है? आपके नाहर और सलोनी बच्चे थोड़ी ना है जो गुम हो जाएंगे। तुम लोग चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए तो बच्चे ही रहोगे ना। और वैसे मैं इतना ना घबराती,
दिन जीजी ने आके मुझे तेरा लॉकेट दिखा दिया, तेरी घड़ी, तेरे कान के बाले, कहने लगी तू घर छोड़ के चला गया। वो लॉकेट तो तू आज तक बिना पहने बाहर नहीं गया, आज कैसे भूल गया? बाबू, ये इसे पहनना भूल नहीं गए थे, मैंने ही जिद करके इन्हें उतारने के लिए कहा था। देखिए ना, उसकी चमक कितनी फीकी पड़ गई है, तो मैंने कहा कि पॉलिश कराने के बाद ही उसे पहने। और मैं उर्वशी की बातों में आके न जाने क्या क्या सोचने लगी। चल नाहरा मेरे साथ चल, बहुत जरूरी काम है बेटे। मुझे पंडित जी ने बताया कि तेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये धागा भी उन्होंने ही दिया तेरी कलाई पे बांधने के लिए। यह हर विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, इसे कभी मत खोलना। बाबू, किसी भी व्यक्ति का अच्छा या बुरा समय उसके अच्छे या बुरे कर्मों पर निर्भर करता है, मैं जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है। इस धागे से लिपटी हुई ममता हमेशा ढाल बनकर मेरी रक्षा करेगी। वो सब मैं नहीं जानती नाहर, मुझे इन बातों में मत उलझा, बस मेरी तसल्ली के लिए इसे कभी मत खोलना। और कहीं भी जाने से पहले मुझे एक बात बता देना। ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा, मैं आपको वचन देता हूं। माता जी महाराज तेरी रक्षा करे। उर्वशी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? किससे पूछकर मेरे कमरे में गई थी और क्या जरूरत थी भाभो को वो लॉकेट दिखाने की? इतनी बार मुंह के बल गिरी हो फिर भी तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आए, आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बर्बादी। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार हमारे पास ये पूछने चली आती हो। तुम्हें तो हमारी और हमारी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए, जो बार बार तुम्हारे सामने गिरने के बावजूद हम खड़े हो जाते हैं। सिर्फ एक बार सलोनी, उस नहार की असलियत को सबके सामने आने दो, फिर तुम्हें हम सबके सामने ऐसा गिराएंगे कि तुम चाहकर भी उठ नहीं पाओगी। एक इंसान जो खुद गिरा हुआ हो उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन सिर्फ तुम्हारे खातिर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आई तो मुझसे जुड़ी असलियत शायद तुम सामने ना ला पाओ, लेकिन तुमसे जुड़ा हर झूठ, हर गुनाह मैं समाज और कानून के सामने खोल कर रख दूंगी, और तब तुम्हें भागने के लिए ये जमीन भी छोटी पड़ जाएगी। बस थोड़ा इंतजार और करो सलोनी, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि भागने के लिए जमीन हमें छोटी पड़ती है या तुम्हें।